हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम हाइड्रोलिक मशीन्स का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ वेन्स। देखिए, सीरीज ऑफ वेन्स बनाते हैं हम लोग कैसे हैं? इस तरह का एक शाफ्ट होता है छोटा सा, इसके बाद एक हमारा इस तरह का होता है और फिर इस पे हम लोग का व्हील बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा व्हील होता है, ये हमारा व्हील, या इसको हम लोग रनर भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली एक तरह का हम टर्बाइन बना रहे हैं। ठीक है, इसपे क्या होता है कि इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेट लगे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है? प्लेट इक्वल डिस्टेंस पे प्लेट लगा हुआ होता है। ओके, और सारा प्लेट, जो भी प्लेट होता है, वो सब आइडेंटिकल प्लेट होते हैं। मतलब अभी डायग्राम में जो भी आपको लग रहा हो कि डायग्राम में क्या है कि सब प्लेट अलग अलग लग रहा है, लेकिन सारा प्लेट ही आइडेंटिकल होता है और हर एक प्लेट का स्पेसिंग जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यहां से जेट ऐसे गया, जेट का वेलोसिटी भी इस प्लेट को मूव करा दिया यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो यानी कि जेट इस प्लेट को स्ट्राइक कितना, जब ये मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जेट स्ट्राइक कितना कर रहा है वेलोसिटी से? वी माइनस यू से, दैट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन इस केस में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि जो मास फ्लो रेट लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं रो इंटू ए इंटू वी। अगर इसमें जो इस जो जेट में जो वाटर है इसका डेंसिटी क्या है? रो हो, इसका जो जेट का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए हो, तो यहाँ जो मास फ्लो रेट लेते हैं रो इंटू ए इंटू वी लेते हैं, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वी माइनस यू? उसका कारण बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि जब हमारा ये प्लेट इस तरह से फिक्स रहता था, जब ये मूवेबल प्लेट रहता था, यहाँ से वी वेलोसिटी से जाते थे और ये यू वेलोसिटी से, यहाँ पर जो स्ट्राइक करता था जो मास फ्लो रेट रहता था, वो मास फ्लो रेट हम लोग रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू देते थे। क्यों? क्योंकि प्लेट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। प्लेट क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है प्लेट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जेट तो कंटिन्यूअसली वाटर जा रहा है और ये प्लेट क्या होगा? मूव होगा, नेक्स्ट इंस्टेंट में सेकंड प्लेट यहाँ आ जाएगा, फिर ये प्लेट मूव कर जाएगा, नेक्स्ट इंस्टेंट में ये वाला प्लेट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में ये वाला प्लेट आ जाएगा। यानी कि इस जेट को तो लगेगा ही नहीं कि प्लेट यहाँ से कुछ जा रहा है, मूव कर रहा है। ये प्लेट हमेशा यहाँ पे जेट को लग रहा है कि रखा हुआ है, यानी कि प्लेट इज ए फिक्स। ठीक, यानी कि जेट के लिए यहाँ पे एक प्लेट क्या है? हमेशा फिक्स है। जेट अगर हमेशा फिक्स प्लेट है तो फिक्स प्लेट में क्या होता था? वी वेलोसिटी से ज्यादा था, मास फ्लो रेट रो इनटू ए इनटू वी होता था। लेकिन रो इनटू ए इनटू वी ले लीजिए, लेकिन प्लेट अगर इस तरह से मूव करते जाता है तो मास इनटू वी माइनस यू होता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस केस का हमारा। ठीक, तो मास फ्लो रेट हमारा रो इनटू ए इनटू वी हुआ। अब इस डायग्राम का कोई काम हमारे पास नहीं है। ठीक, एक काम, इनिशियल वेलोसिटी जब जेट का स्ट्राइक कर रहे हैं, अब ये तो मास फ्लो रेट का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस प्लेट पर अपना स्टडी अगर फोकस करें, इस प्लेट को स्ट्राइक कितना वेलोसिटी से कर रहा है? वी माइनस यू से। तो दैट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ हमारा? इनिशियल वेलोसिटी विथ विच जेट जो स्ट्राइक करता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी माइनस यू। लेकिन अब देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है इस तरह से कुछ नहीं मिला, ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या कर रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये प्लेट ऐसे आया, ऐसे प्लेट होकर ऐसे सीधा जाए, तो जब इस स्टैंड पे आया होगा तो जो ये जेट आ रहा है, ये क्या टेंजेंशियल इसको स्ट्राइक कर रहा है। तो जब टेंजेंशियल ये स्ट्राइक कर रहा है तो प्लेट के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एक्स में, एक्स के डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस है हमारा, इस एक्स एक्सिस में वाटर का तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा हुआ जीरो। तो अब हम लोग को फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो क्या लेते हैं हम लोग? मास फ्लो रेट रो इंटू ए इंटू वी इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, वी माइनस यू और माइनस जीरो। तो ये हमारा फोर्स आ गया रो इंटू ए इंटू वी ब्रैकेट में वी माइनस यू। ये एफ एक्स आया हमारा। ठीक है, ये एफ एक्स आ गया, फोर्स आ गया हमारा इस डायरेक्शन में जेट से द्वारा लगाने वाला प्लेट का। अब इस डायग्राम का कोई हमारे पास काम नहीं है। तो अब अगर हम लोग वर्क डन पर सेकंड देखते हैं, वर्क डन पर सेकंड अगर हम लोग देखें, वर्क डन पर सेकंड क्या है?
आउटपुट पावर है, वर्क डन पर सेकंड, पर सेकंड वर्क कर रहे हैं यानी कि पावर है, ये वर्क डन पर सेकंड क्या कहलाएगा, ओ डॉट पी यानी कि आउटपुट पावर। तो क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, या आउटपुट पावर हम लोग को किस पे मिल रहा है, हम लोग को वेन्स पे मिल रहा है, जो उस पे जो व्हील पे माउंट किया गया प्लेट है उस पे मिल रहा है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स हमारा आ चुका है कितना, रो इनटू ए इनटू वी ब्रैकेट में वी माइनस यू इनटू यू। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। इनपुट पावर का बात करते हैं, तो इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर है जेट का काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड 1/2 पर सेकेंड है, यानी कि मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास पर मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इनटू ए इनटू वी होता है, तो यह हमारे पास हाफ इनटू रो इनटू ए इनटू वी, और ये वी का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, क्यूब बना देगा। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर मिल गया। जब आउटपुट और इनपुट जैसे ही कभी दिखते इसका मतलब है कि वहां पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का जब बात करेंगे हम लोग, इफिशियंसी जो ईटा होता है हमारा, ईटा इज इक्वल टू कभी भी जब आउट देखेंगे तो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, ये टर्म लाओ भैया, रो इनटू ए इनटू वी ब्रैकेट में वी माइनस यू बाहर में यू। इनपुट क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, यानी कि 1/2 इनटू रो इनटू ए इनटू वी टू द पावर 3। देखिए रो इनटू ए से रो इनटू ए कैंसिल हुआ, वी से वी क्यू का एक भी चला गया, यानी कि नीचे वी स्क्वायर बच गया, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, यहां बचा हुआ है यू और ब्रैकेट में बचा हुआ है वी माइनस यू और नीचे बच गया हुआ है वी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी इज इक्वल टू 2u इनटू वी माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन क्या होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा, अब इतना मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग सब आए हैं, तो मैं कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम का बात करते हैं तो क्या होता है, जिस टर्म को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो ये लीजिए डिफ्रेंसिएशन डी बाई डू इज इक्वल टू जीरो। हाँ, आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसको फास्ट लग रहा है अपना यूट्यूब में स्पीड कम कर लीजिए, जिसको ठीक लग रहा है वो ठीक है। डी इफिशियंसी अपॉन डी यू, ये क्या है, ये यू वेलोसिटी है इक्वल टू जीरो, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। वी कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, वेरिएबल सिर्फ यू है, तो डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या दिक्कत है, कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन इसको, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर। वी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो वन अपॉन वी स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यू सिर्फ है यहाँ पे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के टर्म में क्या होता है, वन होता है, तो यू का डिफ्रेंसिएशन यू के टर्म में वन होगा, तो ये वन बाय वी स्क्वायर बाहर में, यहाँ वन हो गया, तो बचा हुआ कॉन्स्टेंट क्या लिख देंगे, टू वी आईडी माइनस टू यू स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट आईडी टू लिख दिए इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स होता है, तो यू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू यू हो जाएगा, खत्म, इज इक्वल टू जीरो। ये वी स्क्वायर जीरो के साथ जाके जीरो हो गया, तो बच गया हमारे पास टू वी माइनस फोर यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से हमारा आ रहा है टू वी इज इक्वल टू फोर यू, यानी कि वी इज इक्वल टू टू यू। अब वी इज इक्वल टू टू यू यहाँ पुट कर देंगे तो मैक्सिमम इफिशियंसी आ जाएगा, तो ईटा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ईटा मैक्सिमम निकालने के लिए वी इज इक्वल टू टू यू यहाँ पे पुट कर दें, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिए टू यू वी के जगह पर, वी के जगह पर टू यू माइनस यू एज इट इज, और नीचे हमारा आएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह पे टू यू का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग देखेंगे 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 2u into 2u क्या हो जाएगा 4u square minus 2u into u क्या हो जाएगा 2u square upon 2 का होल स्क्वायर 4u का होल स्क्वायर u square 4u का स्क्वायर minus 2u का स्क्वायर is equal to 2u square upon 4u का स्क्वायर upon 4u का स्क्वायर। u square से u square cancel 2/4 1/2 1/2 का मतलब आधा और आधा का मतलब 0.5 और 0.5 का मतलब 50% इफिशियंसी।
एफिशिएंसी शुड बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करेंगे और चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू।